नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रजनीकांत ओझा। हिंदू धर्म में मान्यता है कि किसी भी शुभ काम को शुरू करने से पहले भगवान गणेश की पूजा अर्चना कर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। ऐसा करने से कोई भी काम बड़े आराम से निर्विघ्न संपन्न हो जाता है। यही वजह है कि भगवान गणेश को विघ्नहर्ता भी कहा गया है। यह तो सभी जानते हैं कि गणपति का धड़ उनके शरीर से अलग हो गया था, जिसके बाद एक हाथी के बच्चे का सिर काटकर उनके धड़ से जोड़ा गया। अब सवाल यह उठता है कि गणेश जी का असली सिर आखिर कहाँ है। मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि गणेश जी के असली सिर का क्या हुआ। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, धन्यवाद। शिव पुराण के अनुसार माता पार्वती ने अपने शरीर के मैल से बालक का पुतला बनाकर उसमें प्राण फूंक दिए। उस बच्चे को किसी को भी अंदर न आने देने का आदेश देते हुए वह स्नान करने चली गई। कुछ देर बाद वहां भगवान शंकर आए और पार्वती के भवन में जाने लगे। बाल गणेश ने महादेव को अंदर जाने से रोक दिया। शिव जी के समझाने पर भी गणेश नहीं माने। क्रोधित शिव त्रिशूल से बालक का सिर धड़ से अलग कर भीतर चले गए। पार्वती जी को जब गणेश के वध के बारे में पता चला तो वह बहुत क्रोधित होकर विलाप करने लगी और सृष्टि में हाहाकार मच गया। तब पार्वती को प्रसन्न करने के लिए भगवान शिव ने एक हाथी के बच्चे का सिर काटकर बालक के धड़ से जोड़ दिया। भगवान गणेश के जितने भी मंदिर हैं उनमें उनकी हर मूर्ति के धड़ में हाथी का सिर लगा हुआ है। यही नहीं, उनकी कोई भी तस्वीर, कैलेंडर या पेंटिंग भी ऐसी ही है। लेकिन आप यह जानकर हैरान रह जाएंगे कि गणेश जी का असली सिर एक गुफा में है। मान्यता है भगवान शिव ने गणेश जी का जो मस्तक शरीर से अलग कर दिया था उसे उन्होंने एक गुफा में रख दिया। इस गुफा को पाताल भुवनेश्वर के नाम से जाना जाता है। इस गुफा में विराजित गणेश जी की मूर्ति को आदि गणेश कहा जाता है। मान्यता के अनुसार कलयुग में इस गुफा की खोज आदि शंकराचार्य ने की थी। यह गुफा उत्तराखंड में पिथौरागढ़ के गंगोली हाट से 14 किलोमीटर दूर स्थित है। इसे पाताल भुवनेश्वर गुफा कहते हैं। मान्यता है कि इस गुफा में रखे गणेश के कटे हुए सिर की रक्षा स्वयं भगवान शिव करते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।